जब से जेडीयू कमजोर पड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में, एक जिन ऐसा भी है जो अभी शांत पड़ा हुआ है। 14% यादव वाले कम्युनिटी को 16 टिकट मिलता है और 4% वाले कुशवाहा को 11 टिकट मिलता है। कुशवाहा का लीडर सम्राट चौधरी है, न कि उपेंद्र कुशवाहा है। जेडीयू खत्म हो रहा है, जेडीयू खत्म होगा 4.21%। बीजेपी ने एक भी नहीं दिया। उसी प्रयास का नतीजा है कि एनडीए में रहने के बावजूद काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे जाते हैं। बिहार विधानसभा में मात्र 2 MLA और 1 MLC। पॉपुलेशन है वो कम है 4.21%, लेकिन विधायक इनके ज्यादा है। पहले बीजेपी ने इसके ऊपर अपना पूरा साफ किया पत्ता, पवन सिंह के कंधे पे बंदूक रख करके। कुशवाहा कम्युनिटी के पास जाएंगे तो उनके पास रोष रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का जिन अभी भी अलग अलग रूपों में आपके आसपास घूम रहा है, आपके टीवी कैमरों में, फोन में, हर जगह घूम रहा है, और वो अलग अलग रूपों में घूम रहा है। जैसे कि ज़्यादातर जो लोग समझ रहे हैं इस जिन को, वो नीतीश कुमार के रूप में समझ रहे हैं कि उन्होंने की रोल प्ले कर रखा है, की में बैठे हुए हैं सेंटर में। आपके चंद्रबाबू नायडू हैं TDP के, या फिर किसको मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, एक जिन ऐसा भी है जो अभी शांत पड़ा हुआ है, लेकिन अंडर करंट में ये बहुत बड़ी बिहार की राजनीति में बदलाव लाने का मद्दा रखता है, दमखम रखता है, और वो जिन है कुशवाहा कम्युनिटी के वोटरों का। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो 2020 के चुनाव के बाद जब से जेडीयू कमजोर पड़ी है, तब से कुशवाहा कम्युनिटी के वोटरों को रिझाने के लिए हर पार्टी, चाहे वो RJD हो, BJP हो, कोई भी हो, रिझाने का हर संभव प्रयास कर रही है और अलग अलग दाव खेल रही है। और वो इसलिए खेल रही क्योंकि जेडीयू का ट्रेडिशनल वोटर कुशवाहा हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में ही थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू छोड़ा, जेडीयू कमजोर हुई, और उसके बाद फिर पहले बीजेपी ने इसके ऊपर अपना पूरा साफ किया पत्ता। उसमें उसी प्रयास में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया बिहार का, ताकि उसके सहारे एक प्रोजेक्ट किया जाए कि कुशवाहा का लीडर सम्राट चौधरी है, न कि उपेंद्र कुशवाहा है। और उस प्रयास में जो इस्टेब्लिश्ड कुशवाहा लीडर हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको खत्म करने का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में हर संभव प्रयास किया। और वही प्रयास है, उसी प्रयास का नतीजा है कि एनडीए में रहने के बावजूद काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर जाते हैं, और बीजेपी के जो लीडर हैं पवन सिंह, जिनको आसनसोल से टिकट बीजेपी से मिल चुका था, उन्होंने वहां से टिकट नहीं वापस कर दिया और काराकाट से इंडिपेंडेंट लड़े हैं। हालांकि फौजी तौर पर बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल लिया है, लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि जब कोई पार्टी किसी को निकालती है तो उस पर लिखती है कि 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए आपको पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन इनके लेटर में, जो निष्कासन का लेटर है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कितने दिनों के लिए। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, और ये पब्लिक समझ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये सारा चाल चला है, पवन सिंह के कंधे पे बंदूक रख करके। तो बीजेपी तो ये काम कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपना बिहार का उप मुख्यमंत्री कुशवाहा को बनाया। अब RJD भी पीछे क्यों रहे? RJD ने भी हर संभव प्रयास किया, क्योंकि हर किसी को लग रहा है जेडीयू खत्म हो रहा है, जेडीयू खत्म होगा तो जिसका कोर वोटर है उसको समेटो। समेटने के प्रयास में सभी लोग कुशवाहा के पीछे पड़ गए, और कुशवाहा का वोटर तब तक नहीं समेटा जाएगा जब तक कि आप कुशवाहा को टिकट ज़्यादा ना दें और कुशवाहा के जो इस्टेब्लिश लीडर हैं उसको खत्म ना किया जाए। तो इस्टेब्लिश लीडर को खत्म करने का भी प्रयास हुआ उपेंद्र कुशवाहा को, और टिकट बंटवारे का पूरा ध्यान रखा गया कि कुशवाहा कम्युनिटी के लीडरों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। यही कारण है कि अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट बंटवारे का जातिगत अगर आप बंटवारा देखिएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा टिकट जो मिला है वो मिला है यादव को। ऑब्वियस है, 16 सीट मिला है यादव को अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट टिकट किसे मिला होगा आप इमेजिन कीजिए, कुशवाहा को मिला है। 11 सीटें मिली है, 10+1 11 सीटें मिली है कुशवाहा कम्युनिटी को, जबकि कुशवाहा कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है? मात्र 4.21%। इससे 14% है यादव का, उन्हें मिला है 16, और
4.21% वाले कुशवाहा को मिला है 11 सीटें। इन 11 सीटों में से 4 जेडीयू ने दिया है और 3 आरजेडी ने दिया है, 2 लेफ्ट ने दिया है, 1 कांग्रेस ने दिया है और जेडीयू ने 4 दिया है, बीजेपी ने 1 भी नहीं दिया। अब ये क्यों नहीं दिया ये बीजेपी ही बता सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कुशवाहा का लीडर कुशवाहा का वोट बैंक खींचने की फिराक में लगी हुई थी, नहीं देना ये अपने आप में चौंकाने वाला था डिसीजन, लेकिन वो बीजेपी ही एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई पहली बार उसे टिकट नहीं दी है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा में मात्र 2 एमएलए और 1 एमएलसी बीजेपी से आपको मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर आप जो ट्रेडिशनल हैं वोट बैंक जिसका है जेडीयू का कुशवाहा वोटर हैं, आज भी 4 एमपी चुन के आए हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें 4 में से जेडीयू के 2 लोग हैं, 1 आपको मिलेगा आरजेडी में और 1 लेफ्ट के बने हैं, और वो भी जो आरजेडी के लीडर हैं वो जेडीयू के थे, सिर्फ टिकट पाने के लिए वो चले गए वहाँ पे, क्योंकि एनडीए का टिकट था औरंगाबाद वो मिल नहीं सकता था, तो वो चले गए वहाँ से लड़ लिए, वरना वो भी जेडीयू के ही लीडर हैं। विधायक में अगर आप जाके देखेंगे तो विधायक में भी सबसे ज़्यादा विधायक आपको मिलेगा आपको जेडीयू के अंदर ही। कुशवाहा का टोटल बिहार विधानसभा में 16 विधायक हैं, जबकि 15 विधायक है एलजेपी का, यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी का, जबकि पासवान का वोटिंग परसेंटेज है 5.31% और इनका जो पॉपुलेशन है वो कम है 4.21%, लेकिन विधायक इनके ज़्यादा हैं। सांसद में भी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में मात्र 2 पासवान लीडर सांसद बने हैं और कुशवाहा के 4 जीते हैं। टिकट पाने में भी आपको पासवान को मिला है 5 टिकट और कुशवाहा को मिला है 11 टिकट। जीतने में भी, टिकट पाने में भी एमपी का, विधायकी में भी जाके देखिएगा तो 15 विधायक हैं पासवान के और 16 हैं कुशवाहा के। तो साफ साफ आपको दिख रहा है 2020 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हर पार्टी प्रयास कर रही है कि किसी तरह से रिझाया जाए कुशवाहा को, क्योंकि वो छटक रहे हैं नीतीश कुमार से, तो उसको समेटने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। और भी लोगों से कंपेयर कर लीजिए आप, यादव का 14% है पॉपुलेशन, 14.27% है, लेकिन टोटल जो है वो उनके एमपी कितने बने हैं इस बार, 8 बने हैं, 8 रनर अप रहे हैं, यानी कि 16 मात्र टिकट मिला था इन्हें, मिला 14% ये आपके यादव वाले कम्युनिटी को 16 टिकट मिलता है और 4% वाले कुशवाहा को 11 टिकट मिलता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बिहार की राजनीति में कुशवाहा, सभी पार्टियां कितना इंपॉर्टेंस इसको दे रही है। इसी तरह से आप मुस्लिम का देख लीजिए, मुस्लिम 17.71% है और उनको टिकट टोटल मिला है 7 और जीते हैं मात्र 2, यानी कि साफ साफ दिख रहा है। आप अपर कास्ट से ही कंपेयर भी कर लीजिएगा तो अपर कास्ट में भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटर हैं अपर कास्ट के अंदर, 3.66%, यानी कि कुशवाहा से मात्र 0.55% कम है, लेकिन इनको टिकट मिला है मात्र 4 और कुशवाहा को मिला है 11। ये जीते हैं 2, कुशवाहा जीते हैं 4, डिफरेंस कितना है पॉपुलेशन का, मात्र 0.55% का। इसी तरह से आप किसी भी कम्युनिटी का उठा लीजिए, आप एससी में उठा लीजिए जो रविदास कम्युनिटी है, रविदास कम्युनिटी का पॉपुलेशन है 5.25%, यानी कि कुशवाहा का है 4.21% और रविदास का है 5.25%, यानी कि 1.04% ज़्यादा है रविदास का पॉपुलेशन, लेकिन टिकट कितना मिला है, टिकट इनको मिला है 5, कुशवाहा को मिला है 11, जीते हैं रविदास के 2, कुशवाहा के जीते हैं 4। मतलब इस आंकड़ा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस आंकड़े से साफ साफ दिख रहा है कि कुशवाहा कम्युनिटी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है हर पार्टी के द्वारा, एक्सेप्ट बीजेपी का तरीका अलग है, हो सकता है कि वो तरीका अलग हो क्योंकि बीजेपी भी मुख्यमंत्री कुशवाहा को ही बना रखा है। अब आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इन आंकड़ों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इतने सारे, आप सोचिए कि मात्र 4% पॉपुलेशन के बावजूद 16 विधायक, 4 एमपी लिए हुए हैं पूरे बिहार में, उसके बावजूद
आप कुशवाहा कम्युनिटी के पास जाएंगे तो उनके पास रोष रहेगा। रोष इस बात का है कि उनके लीडर को हराया गया है, उनको घेर करके मतलब कहते हैं कि शहीद किया गया है, और रोष है, खास करके बीजेपी के प्रति बहुत रोष है कुशवाहा कम्युनिटी में। इनफैक्ट कुशवाहा कम्युनिटी के वोटर जेडीयू से भी छिटके हैं, जबकि आंकड़े ये नहीं कह रहे हैं कि छिटकना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स आंकड़ों से नहीं, पॉलिटिक्स परसेप्शन से भी चलता है, और परसेप्शन अभी यही बना हुआ है कि कुशवाहा कम्युनिटी के साथ धोखा किया गया है, उनके साथ गद्दारी की गई है, उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है, और उसके पीछे पूरी कहानी जो जोड़ी जाती है वो कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो किया गया है। अब इस सब के बीच में अगला बिहार विधानसभा चुनाव होना है, और उस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक लाइन में बात तो यही है कि इतने सारे सीट मिलने के बावजूद कुशवाहा कम्युनिटी के लोग नाखुश हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए।